दूसरा तरीका यानी दूसरी काइंड ऑफ वॉल्यूम जो है हमारे पास, दूसरी टाइप ऑफ वॉल्यूम जो है गिट रेपो है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि गिट कोई गिट हब की रिपोजिटरी है, वहाँ से जो है कोई फाइल जो है आपकी पॉपुलेट हो जाए, क्लोन हो जाए। जब हम पॉड क्रिएट करें तो आपके पास जो है स्पेसिफिक गिट जो है वो वहाँ से फाइल डाउनलोड हो जाए, क्लोन हो जाए, आपके सिस्टम पे उठ के आ जाए। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका कंटेनर क्रिएट होगा, गिट से ये रिपॉजिटरी क्लोन हो जाएगी। यूजर जो है मिसाल के तौर पर रिक्वेस्ट करेगा तो फिर कंटेंट जो है वो गिट से जो क्लोन हुआ हुआ है वो सर्व हो रहा होगा। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास एक फाइल है जिसमें हमने कहा है कि एक वेब सर्वर है, और ये कहाँ पे माउंट हो रहा है, HTML के HTML नाम है इसका, इस फोल्डर पे जो है माउंट हो रहा है। यानी यहाँ पे जो है सारे कंटेंट्स स्टोर होंगे, और ये एक गिट हब की रिपॉजिटरी है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक के ऑथर ने क्रिएट की भी है। तो यहाँ से जो है ये कंटेंट जो है उठ के आपके पास माउंट हो जाएगा, कंटेनर के अंदर आ जाएगा। तो चलते हैं इसको चला के देखते हैं। मेरे पास जो है ये गिट वॉल्यूम जो है एक फाइल है, जिसपे के ज़रिए हम जो है गिट वॉल्यूम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जैसे ही इसको क्रिएट करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट, मुझसे गलती हुई थी, मैंने पॉट का नाम नहीं दिया था यहाँ पे, और मैंने पॉट का नाम दे दिया। अब मैं क्रिएट करता हूँ, गेट वॉल्यूम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉट क्रिएट हो गया, और गेट रेपो वॉल्यूम पॉट क्रिएट हो गया। जैसे ही ये क्रिएट होगा, ये गिटहब पे जाएगा, और इस लोकेशन पे जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, यहाँ से जो है डाउनलोड करके कंटेंट जो है इस फोल्डर के अंदर डाल देगा।